अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीहा जे, आप सब की डाइटिशियन। मैं कुछ पोस्ट देख रही थी, सो आई थॉट आई विल कम एंड मेक अ वीडियो ऑन इट। जब हम वेट लॉस की बात करते हैं, या जब हम हेल्थी ईटिंग की बात करते हैं, या जब हम एक लाइफस्टाइल चेंज करने की बात करते हैं, या फिर अगर हम हेल्थी हैबिट्स डेवलप करने की बात करते हैं, तो हमें अपनी लाइफ में चेंजेस लाने पड़ते हैं। ऑब्वियसली जब आप चेंजेस लाएंगे तो आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, ठीक है। तो जिस पोस्ट को लेके मैं ये वीडियो बना रही हूँ, पोस्ट में ये था कि मैं दोपहर को लंच कैंटीन में करती हूँ, या मैं दोपहर को लंच कैफे में करती हूँ, क्योंकि मैं काम पे होती हूँ एंड आई कांट प्रिपेयर माई मील, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं बिजी होती हूँ, और विच आई अग्री टोटली। और फिर जो भी मुझे कैफे में मिलता है, जो भी मुझे कैफेटेरिया में मिलता है, उसमें कभी तली हुई चीजें होती हैं, कभी उसमें चिप्स होते हैं, कभी उसमें अगर कोई सालन होता है उसमें भी तेल होता है, तो मैं क्या करूं? और मुझसे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कुछ प्रिपेयर भी नहीं कर सकती। अब ये सवाल जब कोई पूछता है तो इसका क्या जवाब हो सकता है? क्योंकि वो कह रहे कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, हम नहीं करते, और हमें यही चॉइसेस है, तो फिर वही खाना पड़ेगा ना। तो द थिंग इज कि पहले तो द फर्स्ट थिंग इज कि जिस तरह से मैंने पहले शुरू में कहा कि जब आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, जब आप डाइट चेंज करते हैं, जब आप हेल्थी ईटिंग करते हैं, जब आप वेट लॉस करते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना होगा, थोड़ा सा आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने, जैसे मैंने कहा, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। हो ही नहीं सकता कि वो खुद ब खुद हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब सेइंग दैट फॉर दोज पीपल कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, जो कहते हैं कि हम दोपहर का लंच फॉर एग्जांपल हेल्थी नहीं कर सकते, देखें पहले तो आप अपने आप से पूछें कि आर यू रियली रेडी फॉर अ चेंज, ठीक है। मैंने वजन कम करना है, या मैंने हेल्थी डाइट करनी है, या मैंने तली हुई चीजें खानी, सिर्फ कहने के हद तक करें, या आप वाकई में कमिटेड हैं? यू नो, वाकई इट्स कमिंग फ्रॉम विद इन। व्हेन यू आर रियली कमिटेड, फिर आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है ना। जब आपको कभी कोई बहुत जबरदस्त किसी रेस्टोरेंट जाने का दिल कर रहा होता है, आप उसके लिए बहुत दूर भी जाते हैं। जब आपको किसी आपको दुबई जाना होता है हॉलीडे पे, या आपको मरी जाना होता है हॉलीडे पे, तो आप सब कुछ प्लान करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से निकल के सब कुछ प्लानिंग, ये वो, थक भी जाते हैं तो भी अपनी पैकिंग कर रहे होते हैं, तो भी अपनी थ्रेडिंग कर रहे होते हैं, बिकॉज यू नो आपको आप रेडी हो रहे होते हैं उस एक चीज के लिए, वो आपका दिल कर रहा है करने का। इसी तरह से आपका दिल करना चाहिए कि आप हेल्थी ईटिंग करेंगे या वेट लूज करेंगे। जब तक वो दिल नहीं करेगा, वो नहीं होगा, ठीक है। तो पहले, और आई डोंट ब्लेम यू, दिस मीन्स यू आर नॉट रेडी, सो डोंट अपने आप को क्यों तंग करें। अगर आप रेडी नहीं हैं वो चेंज लाने के लिए, बस छोड़ दें फिलहाल, जैसा चल रहा है चलने दें। जब आप प्रिपेयर्ड हो तब आप करें, जब आप कहें कि हाँ अब मैं अपने कंफर्ट जोन से निकलने के तैयार हूं, फिर आप करें, ठीक है। पहले तो ये इस सवाल का यह जवाब है। अगर आप नहीं कर पा रही, बहुत बिजी लाइफ है और आप कमिटमेंट नहीं कर पा रही, जस्ट ईट वॉट एवर कैफेटेरिया में मिल रहा है, बस वही खाएं, ठीक है। नंबर दो, मैं बिलीव करती हूं कि प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर हर रात को, क्योंकि जब आप देखें, मैं आई डोंट लिव इन पाकिस्तान, तो जो लोग अब्रॉड रहते हैं उनको पता हो कि लाइफ यहाँ पे कितनी टफ होती है। हम घर की सफाई भी खुद करते हैं, हम बच्चों का भी ध्यान करते हैं, बच्चों का पिक ड्रॉप भी करते हैं, बच्चों को एक्टिविटीज में भी लेके जाते हैं, और जॉब भी करते हैं, और कुकिंग भी करते हैं। आपने देखा होगा मैं कुकिंग वगैरह भी करती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, तो ये नहीं। और जो जॉब नहीं भी करता, जो पाकिस्तान में है, जो जॉब कर रहा है, जो जॉब नहीं कर रहा, हर कोई अपने लिहाज से बिजी है। जो औरतें सिर्फ घर में, वो घर में नहीं, घर में 10,000 काम कर रही, सो एवरी वन इज बिजी। उस टाइम को मैनेज कैसे करना है वो आपने सोचना है। और मैं ये भी समझती हूँ कि वो लोग जो कि जॉब से बहुत थक जाते हैं, इट बिकम्स टू मच फॉर देम, वो हर रात को भी, मैंने कभी बंदा कहते हैं ना रात को लंच प्रिपेयर कर लेना, वो रात को भी उनमें हिम्मत और ताकत नहीं होती कि वो लंच प्रिपेयर कर से। मैं इससे गुजर चुकी हूँ, मुझे पता है ना, हिम्मत ही नहीं होती। बंदा कहे मैं हिलना नहीं चाहती, तुम लंच कहने बनाने का कह रही हो, मुझे छोड़ो। तो आई टोटली गेट दैट पॉइंट ऑफ व्यू,
तो इसमें फिर प्लानिंग आ जाती है। प्लानिंग आपने किस तरह से करनी है, आप बेशक एक हफ्ते का प्लान करें वीकेंड पे, ठीक है, एक हफ्ते के सैंडविचेस बना लें, उनको ऐसे तरीके से, उनको ऐसे ऐसे बॉक्सेस में डालें कि वो खराब ना हो, ठीक है, आप सैंडविचेस बना लें। मैं अपना पर्सनल बताती हूँ कि मैं ऐसे करती हूँ, बड़ा सा बोल लेती हूँ, जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा भी होगा कि मैं ऐसे करती हूँ कि उसमें पास्ता, वो ठंडा पास्ता होता है, वो गर्म वाला, गर्म खाना नहीं खाती लंच में, पास्ता डालती हूँ, उसमें चने डालती हूँ और उसमें बहुत सारी सब्जी डालती हूँ और इतना बड़ा सा बोल बना लेती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं इसकी रेसिपी बताओ, मेरी स्टोरीज देख, कोई रेसिपी नहीं है, जो भी पास्ता हो गया, कोई आपका चने हो गए, लोबिया हो गया और सब्जी डाल लेती हूँ, इतना बड़ा सा बोल बना लेती हूँ, वो बोल मेरा आसानी से मेरा 3-4 दिन चल जाता है, वो मैं इतना बड़ा इकट्ठे बना लेती हूँ और उसको छोटे छोटे पॉट्स में रोजाना अपने लिए डाल के वो मैं खा लेती हूँ। तो फॉर दोज वेमेन एंड फॉर दोज मैन फॉर हुम लाइफ हैज इज बिकम वेरी बिजी, अगर आप वाकई में रेडी हैं टू मेक दिस चेंज, तो आपको थोड़ा सा ये एक, अगर आप रात को भी नहीं कर सकते, आप सैटरडे या संडे को अपने लिए पूरे हफ्ते की प्लानिंग करें। प्लानिंग की मैं जब बात करती हूँ, दूसरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो मैं सबके लिए कहती हूँ, ये नहीं कि आप बिजी हैं, बिजी नहीं है, जॉब करें, जॉब नहीं करें, सबके लिए डायरी एक हफ्ते का एक प्लान बनाए कि मैं आज, मेरा आज इस दफा दोपहर को मैं ये खाऊंगी, मैं रात को ये खाऊंगी, दोपहर को ये खाऊंगी, मैं रात को ये खाऊंगी, वीक का एक प्लान बना लें। आज आलू कीमा बनेगा, एंड आई एम श्योर बहुत सारी करती भी होंगी जो औरतें जो कुकिंग वगैरह करती हैं, वो अपने दिल में उन्होंने प्लान बनाया होता है, मैं आज आलू कीमा बनेगा, आज चिकन बनेगा, मेक श्योर यू आर हैविंग सब्जी एवरी डे। सो आप जब वो प्लान कर लेते हैं, देन ब्रेकफास्ट में मैं ये खाऊंगी, दोपहर को मैं ये खाऊंगी, मैं बाहर जा रही हूँ तो दोपहर को मेरा लंच ऐसे होगा, मंडे को मैंने उधर मीटिंग में जाना है तो मुझे इस तरह से प्लान करना है, फ्राइडे को हमें कहीं बाहर जाना है तो मैंने इस तरह से प्लान करना है, हफ्ते ब हफ्ते अपने आप को प्लान कर लिया करें। उसी बात में मैं दोबारा वापस आ जाती हूँ कि इट कम्स डाउन टू प्लानिंग एंड इट कम्स डाउन टू गेटिंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। हवा में नहीं हो जाएगा, हवा में नहीं हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि प्लानिंग करने में भी टाइम लगता है, प्लान टाइम मेहनत लगती है। तो नंबर वन, फर्स्ट आस्क योर सेल्फ दैट आर यू रेडी, आर यू रियली रेडी टू चेंज, इफ यू आर नॉट देन उसको साइड पे रखें। नंबर टू प्लानिंग करें, और नंबर थ्री अपने कंफर्ट जोन से निकलें। बस यही कहने आई थी, साथ साथ ये भी कहते चलूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं इस वीडियो को एडिट करके अपने टिकटॉक पे भी लगा देती हूँ, टिकटॉक पे बिल्कुल डिफरेंट किस्म के फॉलोअर्स मुझे मिलते हैं, विच इज ओके। सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टिकटॉक, यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, एंड यूट्यूब पे भी ये वीडियो एडिट करके लगा दूंगी, और ट्विटर पे नहीं लगाऊंगी, ट्विटर पे जनरली मुझे इंग्लिश स्पीकिंग लोग फॉलो करते हैं, तो मैं जनरली जो वीडियोस इंग्लिश में बनाती मैं चढ़ा देती हूँ उस पर। खैर ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पर मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, फेसबुक पे भी अब एक्टिव होने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज़ शेयर, आप फेस, ये तो पेज है, आप पेज पे साथ कमेंट करें, मेरा फेसबुक ग्रुप भी है, उस पर आप लोगों के साथ शेयर करें कि आप किस तरह से प्लान करते हैं, आप अपना हफ्ता किस तरह से प्लान करते हैं, आप अपने कम्फर्ट जोन से कैसे निकलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू सो मच फॉर सो मेनी मैसेजेस, साथ साथ मैं पढ़ भी रही हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ मैं ये मैसेज कन्वे कर सकूँ, लव यू टू उम्मे बीबा, अपना बहुत ख्याल रखें, सुमेरा जबीन, रिमेंबर गाइस, इट्स नॉट अ डाइट, इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज, अल्लाह हाफिज़।